हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो गाइस, आज हम रीजनिंग का जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एनालॉजी का, तो उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक्स डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए, बेसिक्स सबसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एनालॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा आपको ईजिली और अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी क्या है? वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो सेम रिलेशन बताते हों, जैसे कि डे नाइट है, तो ये आपस में इंटररिलेटेड हैं, इनका कोई रिलेशन है। इस तरह से हम जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें हमने फाइंड करना है कि इससे रिलेटेड क्या है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो वो हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो गाइज, हमने बहुत से पिछले वीडियो में टाइप्स के देखे थे। आप चाहे वर्क कोई कर रहे हो, जैसे कि राइटर है, राइटर क्या लिखेगा, स्टोरी लिखेगा। आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग करेगा। सिंगर है, क्या करेगा, सिंगिंग। डांसर है, डांसिंग। तो इस तरह के हमने पढ़े थे, कोई वर्क है, वर्क से रिलेटेड है। उसके बाद बहुत सी और तरह की हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। तो गाइस, आज कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमें और क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा एनालॉजी के बारे में। तो गाइस, कुछ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है हाई लो। तो हमने देखना है कि हाई और लो कैसे एक दूसरे के साथ, इनका क्या रिलेशन है, और जिस तरह से हाई और लो का रिलेशन है उसी तरह से हमने रिलेशन देखना है इन ऑप्शंस में। तो देखिए, यहाँ है हाई लो, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या, क्रिकेटर फुटबॉल, डॉक्टर इंजीनियर, अप डाउन नन ऑफ दीज। तो अब देखो ये क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। हाई का अपोजिट क्या है, लो। तो हम देख लेते हैं इनमें अपोजिट क्या है। तो ये देखिए, जो ऑप्शन सी है, अप एंड डाउन, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जिस तरह हाई और लो का रिलेशन है अपोजिट में, उसी प्रकार जो ऑप्शन सी है, अप एंड डाउन, उन दोनों का रिलेशन है। ये भी क्या है, इनका रिलेशन है अपोजिट रिलेशन, अपोजिट रिलेशन। तो आपने रिलेशन ढूंढना है, क्या है इनमें रिलेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो गाइस, देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है पोइट, पोइट्री। तो क्या रिलेशन है कि जो पोइट है वो क्या करता है, वो पोइट्री लिखता है। तो ये क्या आ गया, वर्क आ गया। तो इनका रिलेशन क्या है, वर्क का रिलेशन है, पोइट पोइट्री लिखता है। तो यहाँ देखो ऑप्शन समर रेन, ये बिल्कुल अलग है। ब्रश पेंटिंग, ये भी अलग है। उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रश पेंटिंग की जगह पेंटर होता तो वो हमारा हो सकता था, क्योंकि पेंटर क्या करता है, पेंटिंग करता है। या आर्टिस्ट होता, आर्टिस्ट भी है, हो सकता था। तो उसके बाद यहाँ माइंड ब्यूटीफुल, ये भी नहीं बनता। और फोर्थ ऑप्शन है राइटर स्टोरी। तो हमारा इससे रिलेट कौन सा करता है, पोइट पोइट्री से हमारा रिलेट कर रहा है फोर्थ ऑप्शन जो है, राइटर स्टोरी। क्योंकि पोइट क्या करता है, पोइट्री लिखता है, और राइटर क्या करता है, स्टोरी लिखता है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वही इन दोनों का रिलेशन है। और जैसे हाई और लो का रिलेशन था, उसी प्रकार हमारा अपोजिट रिलेशन है अप एंड डाउन का। तो ये सेम रिलेशन में आते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट देख लेते हैं और एग्जांपल्स। तो गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया पाकिस्तान। तो हमने देखना है इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान से क्या है, और ऑप्शंस में हमने देखना है कि वो किसके साथ मैच करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे पहले USA, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और चाइना। तो हम इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन क्या है मेन इंडिया पाकिस्तान का, कि इंडिया पाकिस्तान आज नेबरिंग कंट्रीज, तो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो देख लीजिए यहाँ पड़ोसी कौन कौन है, USA, कनाडा, जी हाँ बिल्कुल USA, कनाडा पड़ोसी हैं, बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नेबरिंग कंट्रीज नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये भी नेबरिंग कंट्रीज नहीं है। एंड साउथ अफ्रीका एंड चाइना, दे आर आल्सो नेबरिंग कंट्रीज, नॉट नेबरिंग कंट्रीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए, USA, कनाडा।
तो इंडिया पाकिस्तान का जिस तरह से रिलेशन है उसी तरह से रिलेशन है यूएसए और कनाडा का। दोनों का रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन है नेबरिंग कंट्रीज का। तो गाइस देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा भुवनेश्वर। तो उड़ीसा भुवनेश्वर का रिलेशन हमने देखना है ऑप्शंस में क्या है। इनके साथ मुंबई, कानपुर, केरला, तिरुवनंतपुरम, कश्मीर, जम्मू, पंजाब एंड भोपाल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है उड़ीसा भुवनेश्वर। तो देखिए क्वेश्चन में साफ पढ़ के लग रहा है कि भुवनेश्वर जो है वो कैपिटल है उड़ीसा की। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस में, कैपिटल्स का तो लिंक नहीं है। तो देखते हैं, मुंबई, कानपुर नहीं, केरला तिरुवनंतपुरम बिल्कुल हाँ, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, कश्मीर जम्मू नहीं, उसके बाद पंजाब भोपाल ये भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वो है सॉरी बी पार्ट, केरला तिरुवनंतपुरम। तो केरल और तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है केरल की और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो इसमें देखिए गाइस हमारा क्या है, तो रिलेशन था नेबरर्स का। तो इसमें क्या रिलेशन था? कैपिटल का। तो दोनों में अलग अलग रिलेशन थे, अलग अलग रिलेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे। तो गाइस आपको इसी तरह से क्वेश्चन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप नेबरर्स के आपने क्वेश्चन देख लिया, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि मैं इंडिया पाकिस्तान इनके बीच नेबर का रिलेशन है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर आपने कैपिटल्स के क्वेश्चन किए तो आपका उसी वक्त दिमाग स्ट्राइक कर जाएगा कि भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, तो इसमें कैपिटल का रिलेशन लगता है। तो इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल क्वेश्चन, तो आप हर तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जाम में ईजी हो जाएगा, दिमाग आपका सीधा माइंड स्ट्राइक करेगा उसी जगह पे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो गाइस चलिए देखते हैं अब कुछ और तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बाइबल गीता। तो बाइबल और गीता का रिलेशन देखना है हमने। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बैट क्रिकेट, लिसन केयर ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड नाना देव। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। बाइबल और गीता का रिलेशन क्या है? बाइबल और गीता क्या है? होली बुक्स हैं, मीन्स ये बुक्स की कैटेगरी में आती हैं। तो बैट और क्रिकेट ये दोनों अलग हैं, ठीक है। लिसन केयर इनका भी नहीं बनना, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर ये देखिए एक ही कैटेगरी के आ रही है। ये क्या हैं? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। और ये क्या हैं? बुक्स। तो इनका रिलेशन क्या है? बिल्कुल सेम है, जिस तरह का रिलेशन बाइबल और गीता का है उसी तरह का रिलेशन ब्रिंजल और लेडी फिंगर का। ये एक ही कैटेगरी के हैं, सेम कैटेगरी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं सेम कैटेगरी के बारे में, इन दोनों की कैटेगरी है सेम। तो ये वेजिटेबल्स हैं और ये क्या हैं? बुक्स हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, फुटबॉल स्पोर्ट। तो फुटबॉल क्या है? स्पोर्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिकेट रेन, हॉकी हॉट, विंटर सर्फिंग और ओडिया लैंग्वेज। तो देखिए फुटबॉल क्या चीज़ है, क्या स्पेसिफाई कर रहा है फुटबॉल कि क्या है? ये स्पोर्ट है, एक गेम है फुटबॉल। तो ऑप्शन देखते हैं, क्रिकेट रेन नहीं, क्रिकेट रेन नहीं है, हॉकी हॉट नहीं है, विंटर सर्फिंग नहीं है, ओडिया लैंग्वेज, जी हाँ ओडिया लैंग्वेज है, ओडिया एक लैंग्वेज है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फुटबॉल और स्पोर्ट का जो रिलेशन है वही आता है ओडिया और लैंग्वेज का। तो उड़िया एक लैंग्वेज है, इसी प्रकार फुटबॉल क्या है? एक स्पोर्ट है। तो गाइस देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे। तो गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है इलिटरेसी नॉलेज। तो जिस तरह से इलिटरेसी नॉलेज से रिलेटेड है, इलिटरेसी इज रिलेटेड टू नॉलेज इन द सेम वे हेटर्ड इज रिलेटेड विथ। तो जिस प्रकार इलिटरेसी नॉलेज से रिलेट है और हेटर्ड किससे रिलेट होगा, तो हमने देखना है। तो इलिटरेसी नॉलेज या हेटर्ड किसे रिलेट है, ऑप्शन देख लेते हैं, लव हेट लाइक एंड नन ऑफ दीज। तो गाइस देख लेते हैं यहाँ पे, इसको पहले समझो इलिटरेसी नॉलेज। तो क्या है क्वेश्चन में कि जो नॉलेज है, नॉलेज की वजह से क्या होगा, इलिटरेसी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो नॉलेज की वजह से इलिटरेसी ख़त्म होगी। वहीं हेटर्ड है, हेटर्ड किसकी वजह से ख़त्म होगा, तो लव की वजह से नफरत ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ए। तो आप हेट हेटर नहीं, हेट से नहीं ख़त्म होगी हेटर, लाइक से भी नहीं और नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है लव, लव से हेटर
खत्म होगा तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बैठता है यहाँ पे वो है ए पार्ट लव। तो नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, नेक्स्ट है लेग वॉक। तो लेग जिस प्रकार वॉक से रिलेटेड है, लेग इज रिलेटेड विद वॉक इन द सेम वे हैंड इज रिलेटेड विद। तो लेग है हमारी, लेग से क्या करते हैं हम वॉक करते हैं, चलते हैं। तो लेग से चल रहे हैं तो हैंड से क्या करेंगे, होल्ड थ्रो किक आर नन ऑफ दीज। तो लेग से अगर वॉक करेंगे तो हैंड से क्या करेंगे हम, हैंड से कोई चीज़ उठाएंगे, तो हैंड से क्या करेंगे कुछ उठाएंगे, तो आ गया होल्ड। तो ऑप्शन क्या है करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो लेग से वॉक करेंगे और हैंड से हम क्या किसी भी चीज़ को उठाएंगे। तो गाइस देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आ रही है जो मैं करा रहा हूँ। तो इसी तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आएंगे, आप जितने भी क्वेश्चंस इससे आएंगे वो आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं, इंग्लैंड, इंग्लैंड लेट है कैसे, नॉर्थ डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो जिस प्रकार इंग्लैंड नॉर्थ से रिलेटेड है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारे, यूएसए चैम्पियन, यूएसए चैम्पियन, जर्मनी, जर्मनी इंजीनियर, जर्मनी इंजीनियर, न्यूजीलैंड साउथ एंड नन ऑफ दीज। तो गाइस देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लैंड इज रिलेटेड विद नॉर्थ। तो यहाँ पे आ गया डायरेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लैंड नॉर्थ में है तो यूएसए चैंपियन बिल्कुल गलत, जर्मनी इंजीनियर बिल्कुल गलत, न्यूजीलैंड साउथ बिल्कुल करेक्ट है, न्यूजीलैंड साउथ में है और नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी पार्ट न्यूजीलैंड साउथ। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, इस तरह के भी डायरेक्शन के मल्टीपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो जिस प्रकार इंग्लैंड नॉर्थ से रिलेटेड है तो न्यूजीलैंड किसे है, साउथ से रिलेटेड है। तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, जब हम समझेंगे अप्रोच को कि किस तरह का क्वेश्चन है तो हम उसको इजीली गाइस सॉल्व कर देंगे। तो गाइस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लंग्स, तो लंग्स हर्ट, तो लंग्स हर्ट से रिलेटेड है और ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, किचन किससे रिलेटेड होगा, किचन किससे रिलेटेड है, तो देख लेते हैं हम। तो अगर लंग्स हर्ट से रिलेटेड है तो किचन, ऑप्शन देख लेते हैं, फिश डिश डाइनिंग डाइनिंग रूम एंड नन ऑफ दीज। तो गाइस देखते हैं लंग्स हर्ट से रिलेटेड है तो ये क्या है, ये क्या है, बॉडी पार्ट्स। तो ये दोनों क्या सेम कैटेगरी है, बॉडी पार्ट्स है। तो किचन देख लेते हैं, फिश बिल्कुल नहीं, डिश बिल्कुल नहीं, डाइनिंग रूम करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डाइनिंग रूम। कैसे, फिश लंग्स का हर्ट के साथ रिलेशन है, बिल्कुल बॉडी पार्ट्स हैं दोनों। उसी प्रकार किचन क्या है, ये किचन रूम आ गया और ये क्या आ गया, डाइनिंग रूम। ये पार्ट है घर के, तो घर के पार्ट है, हमारा घर है, उसका डाइनिंग रूम और किचन क्या है, पार्ट्स हैं। तो उसी प्रकार लंग्स और हर्ट क्या हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं। तो ये दोनों भी आपस में रिलेटेड हैं। तो गाइस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण इज रिलेटेड विद रामायण। आई होप आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा लक्ष्मण इज रिलेटेड विद रामायण। तो क्वेश्चन है हमारा कि अगर लक्ष्मण रामायण से रिलेटेड है तो बलराम किससे रिलेटेड है, बलराम। तो लक्ष्मण रामायण से हैं तो बलराम देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इस तरह के आपको भी आ सकते हैं क्वेश्चन, शिवपुराण ओके, उसके बाद विष्णु पुराण, महाभारत,
महाभारत, और डी पार्ट है हमारा नन ऑफ दीज। अब देख लेते हैं लक्ष्मण रामायण के पार्ट हैं, तो रामायण में लक्ष्मण का रोल है, रामायण में लक्ष्मण का जिक्र है, तो उसी प्रकार बलराम किसमें हैं, तो बलराम देख रहे शिव पुराण में है, नहीं है। विष्णु पुराण में है, तो नहीं है। महाभारत में है, जी हाँ बिल्कुल महाभारत में है। महाभारत में कृष्ण और बलराम का भी जिक्र है, तो कृष्ण का रोल है महाभारत में, कृष्ण के ब्रदर हैं बलराम, तो बलराम भी महाभारत में थे। तो उसी प्रकार जैसे लक्ष्मण रामायण में है, तो बलराम किस में है, महाभारत में। तो हमने अप्रोच देखनी है क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो आंसर है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी आंसर आएगा हम उसको देख लेंगे जिस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। तो गाइज यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हम आगे भी देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चंस इस तरह के प्रैक्टिस कर लें। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी तरह का न्यूमेरिकल टाइप मैथमेटिकली क्वेश्चन वो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।